ऑलराइट गाइज, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर कोलैप्स क्या होता है और कोलैप्स का हम यूज क्यों करते हैं और होता क्या है यार। सबसे पहले तो है ना, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप इसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, इसी के साथ साथ हम इसमें कुछ कोड भी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ अभी, आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप का, ये सभी को पता है ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर नहीं पता है तो यार मेरे वीडियोज़ को चेकआउट करें, सबसे फर्स्ट वाला वीडियोज़ देखें, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या होती है जिस पर हम यहाँ पर कोड कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि आप कोलैप्स का यूज कैसे कर सकते हो। देखो होता क्या है, टोगल द विजिबिलिटी ऑफ द कंटेंट अक्रॉस योर प्रोजेक्ट एंड विद ए फ्यू क्लास एंड अवर जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। मान लो कि यार मैं आपको बताऊं, देखो ये एक सिंपल, मान लो कि इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पे वर्जन ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कोलैप्स ही है एक तरह से, लेकिन ये क्या है, एक सिंपल ड्रॉप डाउन मेनू भी बोल सकते हो इसको, लेकिन ये सिंपल एक कोलैप्स भी आपका। इसी टाइप से होता है कि भाई किसी भी आइटम पे पर्टिकुलरली क्लिक किया जाए, फिर किसी भी बटन पे कोई क्लिक करे तो यार सिंपल सी मेनू ओपन होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनलिटी हम कैसे कर सकते हैं, अब ये कैसे काम करता है यार, इस पेज पे आप आके पढ़ें ये सारी चीज़ें, हाउ इट वर्क्स। ये सिंपल आप लोगों के, बेसिकली मैंने ऑलरेडी इनको रीड किया हुआ है तो मैं यार ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं इसके अंदर सिंपली। तो आप लोगों के लिए बेसिकली बेनिफिट रहेगा कि यार सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करें, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो क्लिक द बटन ब्लू टू शो हाइड एंड अनदर एलिमेंट्स वे क्लास चेंजेस। मतलब यार क्या है कि देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो एक सिंपल मेरे पास बॉक्स बन के आएगा और उसके अंदर कुछ कंटेंट होगा, यही आपका सिंपल कोलैप्स होता है बूटस्ट्रैप के अंदर। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यार आप नोटिस कर सकते हो, सम प्लेस होल्डर कंटेंट फॉर द कोलैप्स कंपोनेंट, दिस पैनल इज हिडन बाय डिफॉल्ट बट रिवेल्व सॉरी व्हेन ए द यूजर एक्टिवेट्स द रिलेवेंट ट्रिगर सिंपल, ठीक है। तो ये सिंपल क्या आपका एक कोलैप्स ही है। अब ये इस पर भी सेम है और इस पर भी सेम है, दोनों पे आप है यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर मान लो कि यार आप इसका कोड कैसे करोगे, वैसे तो आप इसको कम्प्लीटली कॉपी करके कर सकते हो, लेकिन मैं आपको खुद राइट करके बताऊंगा एक हर एक चीज़। और ये बस इतना ही है, इसके ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे इस कोड को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने बेसिक टेम्पलेट है जो बूटस्ट्रैप का हमको मिलता है वो मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली कुछ लिख रखा है इसके अंदर, ठीक है। और आपको बताऊँ ना तो मैंने collapse.html नाम से फाइल क्रिएट कर रखी है बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल इसके अंदर, ठीक है। तो मैं बस इसी के अंदर कुछ कोड करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर कंटेनर क्रिएट करता हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर, कंटेनर को क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, आप लिखते हो सिंपली कंटेनर, ठीक है, ऑलराइट। और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या इसके अंदर सिंपली इसका जो बैकग्राउंड होगा आई वी राइट प्राइमरी, इस टाइप से मैं इसका प्राइमरी बैकग्राउंड दे दूँगा, मार्जिन में टॉप से इसको 5-4 दे दूँगा। चलो मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लेता हूँ, उसी के साथ साथ मैं इसका जो क्लास है ना वो लेता हूँ लाइक BTN, और BTN इसका जो बेसिकली कलर होगा मैं डेंजर कर देता हूँ, मतलब ये रेड टाइप से आपको दिखेगा। इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या इसके अंदर सिंपल एक, चलो इस बटन का नाम हम देते हैं पहले लाइक चैनल नाम देते हैं आप इस बटन का, ठीक है। और मैं इसको कम्प्लीटली कॉपी सेव करता हूँ एंड मैं यहाँ पे गो लाइव सर्वर का आपको ऑप्शन आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो यार आप एक काम करें, यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाएं और एक्सटेंशन के अंदर जाके सिंपल आप सर्च करें लाइव सर्वर, जो भी आपको एक्सटेंशन मिलती है उसको आप इजीली इंस्टॉल कर ले तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा। नहीं दिखता फिर भी तो आप इस पर राइट क्लिक करें यहाँ पे जाके और यहाँ पे आपको ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन तो मिल ही जाएगा डेफिनेटली, परफेक्ट। मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये ब्राउज़र के अंदर रन होता है ये चीज़, और बहुत ही सिंपल स्वीट है यार, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं फिर भी आपको बताऊँगा इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आपकी आती है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यार आप नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे क्या मिल चुका है, एक चैनल नाम से बेसिकली सॉरी एक चैनल नाम से एक मुझे बटन मिल चुका है, ये बेसिकली आपका कंटेनर है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं काम करूँगा इसी के साथ साथ इसकी जो एक काम करूँगा, पैडिंग मैं लूँगा सिंपल टॉप टू बॉटम 5 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ और अब आपको थोड़ा यहाँ पे ये चैन से दिखेगा कि भी हाँ ये बेसिकली आपका कंटेनर दिख रहा है जो प्राइमरी है ना, जो आपका ये वाला कलर है ब्लू टाइप से, और इसी के साथ साथ आपको रेड एक बटन दिख रहा है। अब इस बटन पे कोई क्लिक करे तो सेम प्रोसेस जो यहाँ पे हो रही है इस पे क्लिक करने पे वो होनी चाहिए, वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर एवरीथिंग इज क्लास, सिंपल आपको क्लास का नाम याद करना है और कुछ बस इतना ही, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखो मैं करूँगा क्या,
उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली बताया गया है, इन्होंने मैं आपको दिखाऊँ ना, तो यार आप एक डिव क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे जाके, और जिसका जिसकी क्लास लिख सकते हैं आप सिंपल कोलाप्स। ये क्लास आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक कोलाप्स नाम से मैं एक सिंपल डिव क्रिएट करता हूँ, उसी के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ लाइक एक पैराग्राफ और एक्सीलेंट कोड विद, मतलब चैनल पे कोई क्लिक करे तो मेरा जो चैनल का नाम एक्सीलेंट कोड विद एज, मैं कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ ये दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज नोटिस कर सकते हो ये पेज रिफ्रेश हुआ और मुझे यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, और ये दिख भी नहीं रहा है कि भाई हुआ क्या एक्चुअली। तो उसका बेसिकली मेन रीज़न क्या पता है क्या, उसका बेसिकली मेन रीज़न ये कि हमने क्लास को ऐड कर रखा है, अगर इस क्लास को मैं ई भी हटा दूँ ना तो ये अभी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली दिख ही जाएगा, देख सकते हो, लेकिन इस कारण ये दिख नहीं रहा है कोलाप्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब ये दिख ही नहीं रहा है, इस पर क्लिक करो तो वो दिखना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेटा डेस बी एस एंड टोगल। आई होप यही हो बूटस्ट्रैप के अंदर ही, और मैंने देखा तो था गाइज यही होगा, हाँ टोगल ही है, ठीक है। इस पर मैं सिंपल एक कोलाप्स नाम से ये वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करूँगा, सो आई विल राइट इसके अंदर मैं सिंपल लिखूंगा कोलाप्स, ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे एक एरर है, ठीक है, कोलाप्स, और बस अब सही है। अब गाइज मुझे एक यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करनी है, आप आईडी कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो लाइक exp1, ठीक है, या फिर मैं CS1 CS कर देता हूँ, मतलब चैनल नेम CS नेम, मैंने एक आईडी प्रोवाइड कर दी इसी को, मैं यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सबसे हैशटैग, फिर जो आपने यहाँ पे कोलाप्स जो डिव आपका उसके अंदर जो आपने आईडी क्रिएट की है उसको आप यहाँ पे पास कर दो CH नेम, सिंपल सेव करना है, और अब आपको यहाँ पे जाना है कोड के अंदर, सो 3 2 1 ऑल राइट गाइस, जब भी कुछ नहीं दिख रहा सेव करते हैं फिर इसको, और हम इसको देखते हैं फिर से, आई होप सारी चीज़ें सही हों, सो ऑल राइट गाइज, वो अभी भी हो नहीं रहा, उसका मेन रीज़न हम देखते हैं कि क्या यार मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ऑल राइट चलो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या नहीं कर रखा है, बेसिकली मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे नहीं रख रखा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपल गेट स्टार्टर पे क्लिक करूँगा, इंट्रोडक्शन के अंदर जाऊँगा, जो लिंक होता है ना वो मुझे यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा गाइज, तो इसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे चलता हूँ बॉडी के अंदर, मैं सिंपली इसको पेस्ट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ मैं, और मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब यार आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं सी एच पे क्लिक करूँ एक्सीलेंट कोड विद एजे में आ रहा है, तो कुछ इस टाइप से हम इसको सेट कर सकते हैं यार, बहुत ही सिंपल है, और देखा मैंने आपको बताया इसके अंदर कुछ किया ही नहीं, इस कोड के अंदर बहुत ही सिंपल, आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि सिंपल मैंने एक एंकर टेक लिया है और उसको मैंने एक आईडी दिया, अब बटन को आपको करना हो ना तो यहाँ पे इजीली बताया गया है कि आप एंकर टैग ना लेते हो तो या आप बटन लेते होंगे, तो अगर आपको बटन लेना है तो सिंपल आपको मैं बताऊँ कंपोनेंट्स के अंदर आके सिंपल आपको जाना है कोलाप्स के अंदर, इसके अंदर जाके आपको सिंपल यहाँ पे बताया गया कि बटन का यूज़ करते हो ना आप, ये बटन है सिंपल डेटा विद डेटा बी एस टारगेट, बटन विद सॉरी बटन विद डेटा बी एस टारगेट, तो आपको सिंपल एंकर टैग का तो यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि एंकर टैग का तो यूज़ तो बेसिकली आपका यहाँ पे होगा ना कुछ इस टाइप से, लेकिन जब भी आप बटन का यूज़ करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा डेटा बेस या टारगेट, और ये जो आईडी है जो भी आईडी कुछ भी हो सकती है रेंडमली, तो वो आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, सिंपल आपका काम करेगा, कंप्लीट क्लियर सारी चीज़ें। आगे अभी भी कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझे बता देना कमेंट के, इतने में कुछ भी आपकी क्वेश्चन हो सकता है यार, ठीक है। मल्टीपल टारगेट्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये आता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ ये दोनों आते हैं, ठीक है, लेकिन गाइज मैं इस पर भी क्लिक करूंगा ना दोनों आएंगे, ये आप कैसे करोगे, और ये आपके लिए चैलेंज है, आपको करना है गाइज, बहुत ही सिंपल है, और बेसिकली सेम सेम फंक्शन है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा किया नहीं है, आईडी का सारा खेल है, आईडी का सारा खेल है, और बेसिकली ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बटन का यूज़ करना हो तो सिंपल बीएस टारगेट का, एंड सिंपल आपको लिखना है अगर एंकर टैग का यूज़ करना तो सिंपल डायरेक्टली आप आईडी प्रोवाइड कर दो, तो बस और कुछ इसके अंदर है नहीं, इतना ही था, और आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इसको और ज़्यादा सेट कर सकते हो, कुछ कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, तो ये बाद में देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे बूटस्ट्रैप पे, लेकिन अभी के लिए आप सिंपल इतना समझो कि यार आप कोलैप्स ये होता है इसका हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, इसी के साथ साथ मल्टीपल टारगेट्स होते हैं ना, इसको आप कैसे क्रिएट करोगे आप मुझे बताना, और कमेंट के अंदर मुझे प्रोवाइड कर देना आप कैसे कैसे किया यार, अगर आपको समझ में आ रहा तो वैसे मुझे बता देना, ठीक है, अगर करना भी है इसको ऐसे नहीं समझ लिया बस, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको खुद भी प्रैक्टिस इसकी करनी है,
बस गाइज आज इस वीडियो के लिए, कल की वीडियो के अंदर बात करने हैं बूटस्ट्रैप के अंदर ड्रॉप डाउन के बारे में, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, बेसिकली पूरा पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। वैसे तो मैंने वीडियो डाल भी दिया उसका, लेकिन और एडवांस देखेंगे। तो बस गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।